हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज की वीडियो इतनी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ लोग होते हैं केस कर देते हैं, उनका केस से कोई फायदा नहीं होता, तो उनको आज मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस तरीके से आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन अपने घर पे बैठे बैठे ही, ठीक है। उसके साथ साथ में कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का होता है, ठीक। और भी यहाँ पर जो छुट्टी गए हुए लोग हैं उनके तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है, तो इसके लिए भी आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूंगा। अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भरी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला जो सवाल है उसको हम ले लेते हैं। लोगों का कहना है कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का होता है। अब देखिए, कहीं आप कंपनी में काम करते हैं या किसी भी स्पॉन्सर के पास अगर आप काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही आपकी सैलरी, आपका ड्यूटी, आपका काम, ये सारा कुछ लिखा रहता है कि आपको क्या करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना टाइम तक करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास नहीं होता है वो लोग अक्सर आकर यहाँ पर फंस जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, किस किस काम का होता है, ठीक है। तो यहां पर किसी ने सवाल किया था कि सर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने दिन का होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तरफ से जो बात बताई गई है, आप यहां पर फोटो देख सकते हैं। इस फोटो में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक ही साल का होता है। अभी तक लोग सोच रहे होंगे यार दो साल ना, लेकिन नहीं, आपने जो फोटो देखा इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 84 यानी आर्टिकल नंबर 84 में डायरेक्ट सीधा सीधा लिखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ही साल का होता है, उसके बाद से आपको रिन्यूअल करना पड़ता है, ठीक है। तो भैया आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हो सकता है बहुत से लोग सवाल करेंगे कि तुमको बहुत ज्यादा पता है। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर आपने फोटो देखा ना, फोटो ये बता रहा है, ये आर्टिकल बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल का होता है। अब यहां पर जो दूसरा सवाल है वो उन लोगों के लिए है जो लोग केस वगैरह करते हैं, किसी भी कारणवश केस करना पड़ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, यानी मकतबे अमल कह सकते हो। तो जब वहां पर केस करते हैं तो उनका काफी दिन बीत जाता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीत जाता है, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं होता है ना, लेकिन वहां पर कोई उनका फायदा भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में उनका सवाल है सर मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ऐसे ही सवाल किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से, आपको क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पर समझा देता हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी इसके बावजूद भी एक अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं आपको आपको जो मोबाइल के स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं इससे आप लाइव चैट भी बात कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। देखिए यहां पर बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर हमने केस कर दिया और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई या मेरा केस फाइनल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इस चीज़ को अगर आपका नहीं हो पाता है कोई चीज़, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फिर से दोबारा आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। तो जैसे आप लोगों का सवाल होता है वैसा सेम किसी ने सवाल किया था, भाई मोहम्मद नाम करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से सवाल किया गया था। तो यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। इनका ये सेम कहना है, देख लीजिए, वही है का कहना है कि सर मैंने यहाँ पर 2 महीने से कंप्लेंट करके रखा है लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही मुझे मेरी सैलरी या कोई चीज़ जो फंड था वो कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने जो अपडेट दिया है तो इन्होंने बताया एक लिंक दिया, यहाँ पर दे सकते हैं, इस लिंक पर आप क्लिक करके और इनसे बात कर सकते हो। लेकिन कैसे, यहाँ पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में इनका ये कहना है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने लिख रखा है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा लेबर में बात कर सकते हो। तो इस लिंक को हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि इस लिंक पे आखिर होता क्या है। तो देखिए इस लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ से, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट इसका जो दूसरा है वो खुलकर आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का ही है। तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाएंगे और आने के बाद में यहाँ पर आपको दाहिने साइड में एक चीज़ दिख रहा होगा, ये मैसेज जैसा, ठीक है, ये मैसेज वाला। यहाँ से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लाइव चैट बात करना शुरू कर सकते हैं। लिखा गॉड ब्लेस यू इन द लाइव चैट सर्विस, यहाँ से कन्वर्सेंस स्टार्ट, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर आप क्लिक करके और लाइव चैट आप बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। देखिए अब मुझे तो लाइव बात करना नहीं, मैं इसके आगे भी क्लिक कर देता, अगर कोई ऐसी सुविधा आई तो मैं आपको क्लिक करके ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दोस्तों लाइव चैट भी बात कर सकते हो, कोई अपनी परेशानी है तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप
उसके पास प्रूफ होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहां पर छुट्टी गए हुए एक लोग ने जवाजात से सवाल किया था, ऐसा काफी लोगों के साथ होता भी है और हो भी जाता है, और आगे आइंदा आपके साथ ऐसा ना हो तो थोड़ा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें किसी ने जवाजात से सवाल किया था कि सर मैं छुट्टी पे आ गया हूं, लेकिन छुट्टी किसी कारणवश मुझे रुकना पड़ा। मैं छुट्टी खत्म होने के 2 महीने पहले ही मैंने अपने स्पॉन्सर को कहा कि मेरी छुट्टी को बढ़ा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा ठीक है हम बढ़ा देंगे, लेकिन वो बैंक में गए और अपना पैसा भी जमा कर दिए, छुट्टी नहीं बढ़ा। अब ऐसे में अब मेरा ब्लैक लिस्ट लग जाएगा या फिर मैं किसी दूसरे वीजा पर आ सकता। जवाजात के कानून के मुताबिक जो लोग छुट्टी चले जाते हैं वो अपने और अपने वादे के मुताबिक वापस नहीं आते हैं, उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, यानी उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर आपका स्पॉन्सर आपको नया वीजा दे तो आप वापस आ सकते हो, लेकिन ये चीज आपको जब छुट्टी खत्म हो उसके 6 महीने बाद तक ये चीज वैलिड रहता है, ठीक है। छुट्टी आपका खत्म हो गया उसके 6 महीने तक ये बात वैलिड रहती है कि आपको आपका कफिल अगर दूसरा वीजा दे तो आ सकते हो। अगर वो 6 महीने के बाद कुछ करता है तो फिर उसको नया वीजा निकाल कर आपको देना होगा। अब रही बात कि बैंक में पैसा कट गया, तो इसके लिए 2 कारण हो सकते हैं कि आपका छुट्टी नहीं बढ़ा। 2 कारण क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहले तो बात यह है कि जब बैंक में पैसा भरा जाता है तो वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक फाइनल एग्जिट का और एक एग्जिट का। तो यहां पर आपको एग्जिट री एंट्री का, ये जो एग्जिट री एंट्री का ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है, और यहां पर ये लोग क्या करते हैं अदर वाला ऑप्शन चूज कर देते हैं, तो यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। तो पैसा तो कट जाता है लेकिन आपका छुट्टी मुकम्मल नहीं होता है। कारण नंबर 2 यहां पर बताया गया है कि दूसरा कारण यह है कि कुछ लोग पैसा जमा कर देते हैं और सोचते हैं कि छुट्टी बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छुट्टी बढ़ाने के लिए अपने अफसर में या मुकीम के वेबसाइट पर जाकर के उसको छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तब जाके छुट्टी बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगहों का लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज जाकर वहां फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर वहां पर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।